तो वेलकम करते हैं आज की वीडियो में आप सबका। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको इन्फिनिक्स नोट टेन प्रो के स्पेक्स के बारे में बताने वाले हैं और इसकी कैमरा के बारे में आपको बताने वाले हैं और इसकी लॉन्च डेट के बारे में आपको बताने वाले कि कब ये लॉन्च होने वाला है। और जहाँ तक हम बात करें टेक्नो स्पार्क 7 प्रो वीडियो वाली सरकार की वेबसाइट पर 3 कुछ घंटे पहले लॉन्च हुआ है और इसकी प्राइस रखी है इन लोगों ने 21,000 ऑफर भी लगाया और कुछ आपको इसके साथ चीज़ें भी मिल रही है तो आप बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जहाँ तक हम बात करें इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की कैमरास की, तो कैमरा जो इसमें निकल के आ रही कि 64 इसका बैक कैमरा होगा और जो फ्रंट कैमरा होने वाला है वो है 16 मेगापिक्सल का। तो कैमरा लिहाज से सही है और बोला जा रहा है कि इसमें आपको 4K वीडियो सपोर्ट भी मिल जाएगा, तो इस लिहाज से भी आपको ज़बरदस्त कैमरा मिल जाता है। और बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जहाँ तक हम इसकी बैटरी की बात करें तो 5000 की इसमें आपको बड़ी बैटरी मिलने वाली है जिस पे आप बड़े आराम से गेमिंग और यूट्यूब देख सकते हैं बहुत घंटों तक। एक दिन आपका यूट्यूब पे निकल जाएगा गेमिंग के लिए, तो बड़ी बैटरी खींचता है। 90 हर्ट्ज़ भी आपको मिलने वाला है इसमें। और जो बैटरी क्या नाम है चार्जिंग आपको इसमें मिलने वाली है वो है 33 वोल्ट की चार्जिंग। तो चार्जिंग लिहाज से हम बात करें तो बड़ी तेज़ चार्जिंग आपको मिल रही है 33 वोल्ट की। और जहाँ तक हम बात करें इसके रैम के वेरिएंट्स की, सोचिए 8 GB रैम वाला वेरिएंट आएगा और बोला जा रहा है कि 128 और 256 रोम वाले वेरिएंट शायद आने वाले हैं। 256 तो मुझे पता है आने वाला है और 128 देखते आते हैं नहीं। और जो कुछ प्राइस लीक हुई है 35,000 30,000, मुझे लग रहा है 128 वाली 30,000 प्राइस होगी, जो 256 GB वाला वेरियंट है उसकी प्राइस 35,000 होगी। और जहाँ तक हम बात करें इसकी डिस्प्ले की, सो IPS LCD 6.9 इंच की आपको मिल जाएगी 6mm कलर्स पे बेस्ड। तो डिस्प्ले भी सही है इस प्राइस रेंज में और यहाँ पे आपको एमोलेड भी ये दे सकते थे क्योंकि आपको Redmi Note 10 में एमोलेड भी मिल जाता है। तो हर कंपनी का अपना मानना है, अपना सिस्टम है। तो कुछ और स्पेक्स भी आपको इसके बताते हैं। और हाँ जी, जो इसका गेमिंग प्रोसेसर है उसकी बात करें तो CPU आपको ऑक्टा कोर मिलने वाला है और जो प्रोसेसर आपको मिलने वाला है वो यहाँ पे शक्तिशाली प्रोसेसर आपको मिलने वाला है G95। और जहाँ तक हम G95 की बात करें तो Realme 6 में आपको मिला था, तो वहाँ पे आप एक्सट्रीम तक आपको ऑप्शन मिल रहा था और HDR से एक्सट्रीम वैसे ऑप्शन आपको मिल रहे थे और होम बैल हीट हो रहा था। तो देखते G95 अभी जो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में लग रहा है शायद उसमें भी आपको एक्सट्रीम तक ऑप्शन दिया जाए भी या नहीं दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से फिर मोबाइल ज़्यादा गर्म होते हैं और फिर मोबाइल को नुकसान भी मिल जाता है। सो देखते हैं अभी क्या होने वाला है, कि आपको एक्सट्रीम तक मिलने वाला है या अल्ट्रा तक। तो बढ़ते हैं आगे। और इसमें आपको USB टाइप सी मिलने वाली है और 3.5mm जैक भी आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी स्पेक्स के अलावा ज़बरदस्त मोबाइल बनने वाला है 35,000 में। तो जैसे इन्फिनिक्स 08 इन लोगों ने लॉन्च किया था वो भी ज़बरदस्त था। सो अभी ये भी है 90 हर्ट्ज के साथ आपको गेमिंग मिल रही है, सोचिए और क्या चाहिए। 120 हर्ट्ज का वैसे अभी कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि आपको पबजी में सपोर्ट मिल जाता है 90 FPS का, तो 120 हर्ट्ज का आप क्या करोगे भाई। और इसमें आपको 90 FPS का सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि इसका प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं है कि इसमें आप अभी 90 FPS पे गेम खेले, उस वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो उसके लिए आई एम सॉरी। और जहाँ तक हम बात करें कुछ और मोबाइल्स भी इन्फिनिक्स के आने वाले हैं जिनकी हम कोशिश करेंगे अनबॉक्स भी करें और इसकी भी कोशिश करेंगे और बहुत मोबाइल आने वाले हैं। तो इसकी ऑर्डर करने की जो क्या नाम है डेट है ऑर्डर करने की डेट, तो वो 13 तारीख से प्री ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे, 16 तारीख से ऑनलाइन मिलेंगे, फिर 18 तारीख तक मार्केट में सेल में चले जाएंगे। सो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे 18 तारीख तक। और आज के लिए ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए बिना किसी देरी के और लाइक एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।